समर्थन करता है, जो हिंदूवादी ढोंग या गुलाब चंद लेकर घूमता है, क्या इसका समर्थन ये भाजपा करती है? भाजपा को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। गुलाब चंद कटारिया निरंतर गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल हमारे महापुरुषों के लिए कर रहा है। उम्र के साथ साथ इसके दिमाग का दिवालियापन आज तमाम राजस्थान देख रहा है। हम राजस्थान सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे बूढ़े सटियाए हुए लोगों पर, जिनकी भाषा हमारे महापुरुषों को लेकर अशोभनीय है, इन पर मुकदमा दर्ज कराए और इनकी जो असली जगह है वो सलाखों के पीछे, इन्हें सलाखों के पीछे डालने का काम करें। आज राजस्थान के तमाम छात्र शक्ति और युवा शक्ति ने यह संदेश देने का काम किया है कि तमाम छात्र शक्ति महाराणा प्रताप के खिलाफ यह अशोभनीय भाषा कदाई बर्दाश्त नहीं करेगी और पूरा राजस्थान भाजपा को और इस गुलाब चंद को आने वाले विधानसभा उपचुनाव के अंदर ये जवाब देगी कि महाराणा प्रताप के जो वंशज है, महाराणा प्रताप के जो अनुयायी है, वो इतने कमजोर नहीं है कि अपने महापुरुष के खिलाफ इतनी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर सके। महाराणा का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय शिवा सरदार की, महाराणा प्रताप की। जय शिवा सरदार की, महाराणा प्रताप की।